सूबे में योगी सरकार आने के बाद परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया है। इसी क्रम में बच्चों को दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन में घोटाले की लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों को देखते हुए अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक नया शासनादेश जारी किया गया है, जिसके तहत पहले इसका प्रयोग बांदा जनपद में किया गया था। वहां सफलता मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को मध्यान्ह भोजन के लिए प्रतिदिन हस्ताक्षर करना पड़ेगा। वही कक्षा एक और दो के बच्चों जिन्हें हस्ताक्षर में दिक्कत आ रही है, उनके नाम का पहला अक्षर लिखवाया जाएगा। इससे न सिर्फ मध्यान्ह भोजन में पारदर्शिता आएगी, बच्चों को मानक के अनुसार भोजन मिल सकेगा। जनपद में कुल 2,458 परिषदीय विद्यालय, 21 माध्यमिक विद्यालय, 2 सहायता प्राप्त और 10 समाज कल्याण व स्टेट के कुल स्कूल हैं, जिसमें 264,000 बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन बनता है। ऐसे में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि मध्यान्ह भोजन में ग्राम प्रधान एवं प्रधान अध्यापक स्तर से गड़बड़ी की जा रही है, जिसको देखते हुए अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रारूप तैयार करते हुए एक शासनादेश जारी किया गया, जिसके तहत प्रत्येक बच्चों को मध्यान्ह भोजन से पहले हस्ताक्षर करना होगा। इसका प्रभाव होगा कि जो बच्चे स्कूल पर नहीं आए, उन बच्चों की फर्जी हाजिरी बनाकर मध्यान्ह भोजन का कन्वर्जन कास्ट व राशि आहरित किया जा सके। इस संदर्भ में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि एक आदेश अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन का आया है, जिसके तहत मध्याह्न भोजन करने वाले छात्र छात्राओं से रजिस्टर पर हस्ताक्षर अंकित कराया जाएगा। जो बच्चे स्कूल नहीं आए हैं, उनके नाम के आगे लाल शाही से अनुपस्थित अंकित किया जाएगा। जो हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं, हस्ताक्षर कराया जाएगा। इस तरह का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसको देखते हुए जनपद के ऑटो ब्लॉक में इसके प्लान के लिए आदेशित कर दिया गया है। सर, मध्याह्न भोजन में बच्चों के हस्ताक्षर अभियान कराने का एक योजना बनाई, क्या है पूरा? एक जीओ आया है आदेश अपर मुख्य सचिव साहब का, और सारे जिलाधिकारियों को संबोधित है, जिसमें बांदा में इनिशिएटिव लिया गया था कि रजिस्टर जो मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित छात्र हैं, उनको रजिस्टर पे उनके द्वारा हस्ताक्षर कराया जाए। तो सारे जनपदों के लिए अब लागू कर दिया गया है, और वो बच्चों उसका एक निर्धारित प्रोफार्मा है शासन द्वारा निर्धारित, उस पर जो बच्चे MDM खाएंगे वो अपना हस्ताक्षर करेंगे, और जो जो नहीं आए रहेंगे उनको लाल स्याही से विद्यालय समाप्ति के बाद उनको मार्क किया जाएगा, और जो बच्चे हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे, जैसे कक्षा 1-2 के बच्चे, उनके लिए ये व्यवस्था दी गई है, ये गाइडलाइन है कि वो बच्चे उनको कोई जैसे शब्द ज्ञान वर्ड का ज्ञान करा दिया, जैसे क लिख लें या कोई वर्ड लिख लें, उसी को वो लिख दें, मार्क कर दें, तो उसी को उनका हस्ताक्षर करते हुए ये व्यवस्था की गई। और ऐसी जरूरत क्यों पड़ी सर इस तरह का? इस तरीके से तमाम हो सकता है कोई शिकायतों के संदर्भ में कि जो विद्यालयों में तार्किक तरीके से बच्चों का वो जो उस पर चिन्हांकन नहीं किया जाता, इस तरीके की मामला संज्ञान में आया होगा। अभी 12 बंकी में भी तमाम MDM की चीज़ें इस तरीके की अनियमितता संज्ञान में आई थी, जहाँ कार्रवाई हुई थी। तो शासन प्रतिबद्ध है, इसलिए इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ताकि हम ट्रांसपेरेंट रहें, पारदर्शी रहें और अकाउंटेबल रहें।